हम हमेशा अपने चैनल पर यही बोलते हैं कि आपको रट कर नहीं समझ कर पढ़ना है। रटी हुई चीज़ें कितने दिन याद रहेंगी, 2 दिन 3 दिन, 1 हफ्ता 1 महीना 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आपने चीज़ों को समझ लिया तो जीवन पर्यंत वो चीज़ें आपके साथ बनी रहती हैं। तो ऐसे ही रोमन गिनती होती हैं, हम लोग बचपन से याद कर लेते हैं कि 1 से 10 तक गिनती, 1 से 100 तक गिनती, ऐसे लिखा, आई बनाया तो 1, 2 आई बनाए 2, 3 आई बनाए 3। तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। आजकल क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं आज की क्लास में कि कैसे हम रोमन गिनती को, कोई भी संख्या आपसे दे दी जाए, कैसे समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, निर्देश सबसे पहले यही है कि ये वाली गिनती को कभी भी आप रटे नहीं, रटा नहीं जाता, बल्कि इनको सीखा जाता है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी संख्या पूछी जा सकती है। तो देखिए, बेसिक जो तरीका है, बेसिक में तो सब लोग ऐसे करते हैं कि भाई 1 आई बना तो ये 1 होता है, 2 आई बना तो 2 होता है, 3 आई बना तो 3 होता है, और 1 आई और V बना तो 4 होता है, V बना तो 5 बना V आई हुआ तो 6, V के बाद I आया तो 7, V के बाद 3 I आए तो 8, I के बाद X आया तो 9 और X आया तो 10। ऐसे सब लोग याद करते रहे होंगे, लेकिन अब चीज़ों को समझिए। केवल आपको इतना ही दिमाग में रखना है क्या कि देखो, अगर 1 लिखा हो तो 1 आई, 1 के आगे हमने 0 बढ़ाया 10, 1 के आगे 2 0 बढ़ाए 100, 1 के आगे 3 0 बढ़ाए 1000। तो इसको सीरियल वाइज आपको बस दिमाग में रखना है कि आई मतलब 1, एक्स मतलब 10, सी मतलब 100 और एम मतलब 1000। तो इसको ऐसे याद रखिए, इंडिया के एक्स सीएम, इंडिया के कौन से सीएम, एक्स सीएम, एक्स मतलब भूतपूर्व, तो इंडिया के एक्स सीएम। तो इसको ऐसे ही ध्यान रखेंगे तो आपको दिमाग में आएगा, इंडिया के एक्स सीएम मतलब 1, 1 के आगे 1 0, 1 के आगे 2 0, 1 के आगे 3 0। तो 1 को कैसे लिखेंगे, आई से, और एक्स से 10 को, सी से 100 को, एम से 1000 को, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्स सी एम होते हैं, इनको 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाता। इस तरह से याद रखिए कि इंडिया के एक्स सी एम कोई भी 3 बार से ज़्यादा नहीं बने। तो इंडिया के एक्स सी एम, आई एक्स सी एम को 3 बार से ज़्यादा कभी भी नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार लिख पाओगे, 3 बार। जैसे 1 आई होता है तो इसे हम लोग 1 पढ़ते हैं, अगर इसे हम 2 आई बना दें तो इसे हम 2 पढ़ेंगे, 3 आई बना दें तो 3 पढ़ेंगे, लेकिन अगर क्या हम 4 आई बना दें तो इसे 4 पढ़ेंगे, नहीं। हमने क्या बोला कि आई एक्स सी एम इसको कभी भी 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखते, लेकिन यहाँ 3 से ज़्यादा बार हो गया तो 4 को ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, x है, x को 10 पढ़ते हैं, इसके बाद अगर 2x बना दें तो 10 और 10 कितने हो गए, 20, और 3x बना दें तो कितना हो गया, 30, तो क्या 4x बनाने से 40 हो जाएगा, नहीं। कभी भी हमने बताया कि आई एक्स सी एम इनको कभी भी 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखते, तो 40 लिखना है तो 4x नहीं बनाएंगे। वो कैसे लिखते हैं वो अभी हम आपको आगे बताते हैं। अब ऐसे ही इसे भी दिमाग में रखिए कि 5 को V बोलते हैं, और अगर 5 के आगे 1 0 लगा दें तो 50 हो गया, तो इसे L से पढ़ते हैं, और 5 के आगे 2 0 लगा दें तो इसे हम D से बोलते हैं, तो यानी VLD, ठीक है ना, विद्याकुलम लगा देगा आपका सिलेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, V से 5 को, L से 50 को, और D से 500 को निर्धारित करते हैं। अब देखिए, VLD यानी विद्याकुलम लगा देगा सिलेक्शन को कभी भी 2 बार नहीं लिखा जाता है, यानी हमेशा 1 बार होते हैं, क्योंकि विद्याकुलम केवल 1 ही है चैनल। तो जैसे देखिए, V क्या है, V से हम 5 को लिखते हैं, तो V को क्या 2 बार लिख दें तो 5 5 10 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि VLD इनको कभी भी 2 बार नहीं लिखा जाता, केवल और केवल कितनी बार आते हैं, 1 बार। अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, हमने क्या आपको पढ़ाया कि इंडिया के एक्स सी एम 1 लिखिए, 1 के आगे 0 बढ़ाइए, 1 के आगे 2 0 बढ़ाइए, 1 के आगे 3 0 बढ़ाइए, तो आई से 1, एक्स 10, सी 100, एम 1000। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा कि इंडिया के एक्स सी एम कभी भी 3 बार से ज़्यादा नहीं बने, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आई एक्स सी एम को कभी भी 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। अब विद्याकुलम लगा देगा सबका सिलेक्शन, तो 5 5 के आगे 0 50, 5 के आगे 2 0 500, तो वी से 5, एल से 50, डी को 500 पढ़ते हैं, इसको कभी भी 1 से ज़्यादा बार नहीं लिखते, मतलब केवल 1 ही बार लिखेंगे, यानी 2 बार नहीं लिखा जाता। अब चलिए समझते हैं कि कैसे हम संख्याओं को लिखते हैं। देखिए, संख्याओं को लिखने के लिए नियम होता है कि किसी भी रोमन संख्या के आगे उससे छोटी कोई संख्या आ जाती है तो संख्या जुड़ती है,
क्या हमने आपको बताया कि कोई रोमन संख्या लिखी है उसके आगे उससे कोई छोटी संख्या लिखी है तो वो हमेशा जुड़ती है, लेकिन अगर बड़ी रोमन संख्या के पीछे कोई छोटी संख्या लिखी है तो हमेशा संख्या घटती है। इसको ट्रिक से ऐसे याद रखेंगे कि आगे मतलब क्या होता है, आगे मतलब प्लस होता है और पीछे मतलब घटाना होता है। पीछे जाओगे तो कम हो जाओगे, आगे जाओगे तो बढ़ जाओगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब गिनती में एक होता है, आई का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। और एक्स का मतलब क्या होता है, दस होता है। और हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पर कि किसी भी रोमन संख्या के आगे उससे छोटी कोई संख्या आ जाती है तो संख्या जुड़ जाती है, लेकिन अगर बड़ी रोमन संख्या के पीछे, देखिए रोमन संख्या बड़ी है दस है, ये छोटी संख्या आ गई इसके पीछे लगी है, छोटी संख्या एक इसके पीछे लगा है ना, तो अगर बड़ी संख्या के पहले कोई छोटी संख्या आ जाए तो ये दोनों आपस में घट जाती हैं, तो दस में एक घटाओगे तो क्या बचेगा बताइए, नौ। तो आई एक्स को हम क्या बोलेंगे, नौ बोलेंगे। ये बात समझ में आई। अब जैसे यहाँ देखिए, एक्स का मान कितना होता है, दस, आई का मान कितना होता है, एक। तो बड़ी संख्या के आगे अगर छोटी संख्या लिखी है तो दोनों जुड़ जाती हैं, तो दस एक कितना हो गया, ग्यारह। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ग्यारह। ऐसे यहाँ देखिए, एक्स कितना होता है, दस होता है। एल कितना होता है, अभी हमने आपको बताया विद्याकुलम लगा देगा सबका सिलेक्शन, वी पाँच, एल पचास, डी पाँच सौ। तो एल की वैल्यू कितनी होती है, पचास, तो यहाँ हो गया पचास। अब देखिए, बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या लिखी है तो अगर बड़ी के आगे छोटी लिखी होती है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो पचास दस कितना होगा, साठ। तो एल एक्स को हम क्या पढ़ेंगे, 60 पढ़ेंगे। देखिए यहां कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ रहा है, सब अपने आप हो रहा है। यहां देखिए, x का मान कितना होता है, 10 होता है। l का मान कितना होता है, 50 होता है। अब बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या लिखी है, मतलब संख्याएं आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी, तो 50 में 10 घटेगा कितना बचेगा, 40 हो जाएगा। अब आइए प्रैक्टिस करते हैं। बताइए सी डी है तो इसको हम क्या बोलेंगे संख्या में, तो सी का मतलब क्या होता है, सी मतलब 100, सी मतलब 100, ऐसे याद रखेंगे ना, इंडिया के एक्स सी एम। आई मतलब एक, एक के आगे जीरो बढ़ाओ, एक के आगे दो जीरो बढ़ाओ, एक के आगे तीन जीरो बढ़ाओ। तो सी मतलब क्या होता है, 100, सी लिख लिया 100। डी का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया विद्याकुलम लगा देगा सबका सिलेक्शन, तो 5, 50 और 500। तो डी मतलब कितना होता है, 500। अब आप यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या लिखी है तो दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी, तो 500 में 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो यहाँ पर देख लीजिए सी डी का मतलब कितना होता है, 400 होता है। बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, एल का मतलब बताइए कितना होता है, एल मतलब होता है 50। एक्स का मतलब कितना होता है, 10। एक्स का मतलब 10, एक्स का मतलब 10। 50, 50 के आगे छोटी संख्याएं लिखी हैं मतलब सारी संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो यहाँ देखिए जरा, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80। सेम संख्याएं जब लिखी होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं, ये देखिए 10, 10, 10, तो ये जुड़ जाएंगी। सेम संख्याएं लिखेंगी तो जुड़ जाएंगी, और अगर संख्याएं अलग अलग हैं तो बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या लिखी है तो जुड़ जाएगी, और बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या लिखी है तो संख्याएं घट जाएंगी। अब जैसे ये वाला खुद से बनाइए पहले, सी एक्स एक्स, बताइए इसका नंबर में मान क्या होगा। सी मतलब कितना होता है, सी मतलब होता है 100, सी 100, ऐसे याद रखिए। एक्स मतलब कितना होता है, 10 होता है, और इस x का मतलब भी कितना है, 10 है। अब बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या लगी है तो मतलब क्या होगा, जुड़ जाएगी संख्याएं, तो 100 और 10 110, और 110 में 10 जोड़ो कितना हो गया, 120, 120 हम ऐसे लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ये लिखा है, तो l का मतलब बताइए कितना होता है, 50 होता है, और v का मतलब कितना होता है, 5 होता है, आई का मतलब कितना होता है, एक होता है, इस आई का मतलब भी एक, इस आई का मतलब भी एक, सबको जोड़ दो बस, 50, 5, 55, 56, 57, 58, तो कितना होगा, 58 होगा। ये लिखने का तरीका है, बात समझ पा रहे हैं। आई होप अब से रोमन संख्या आपको कभी भी याद नहीं करनी पड़ेंगी, आप लोग आराम से बना पाएंगे, लिख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।